नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं कि जनता का क्या मानना है आज सैन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव सिंह है। सर कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हो? 40 सालों में। 40 सालों में सर कैसा माहौल देखा है आपने डेरा सच्चा सौदा का? माहौल बहुत अच्छा है। जो भी हमारे को शिक्षा दी वो बहुत अच्छी थी। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा कोई दुनिया में नहीं दे सकता। और हमारे गुरुजी जो ऐसी शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चे भी सुधरते हैं और आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। सर आपका परिवार भी आता है डेरा सच्चा सौदा में? जी। बहन बेटियां भी आती हैं? जी। सर जो मीडिया में दिखाया गया था, खासकर बेटियों को लेकर, उनकी बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया था, क्या कहना है सर आपका? ये तो मनमुख लोग हैं जी, जो ऐसा करते हैं। वो जैसा खाते हैं अन्न वैसा बन जाता है मन। जैसी वो संगत करते हैं वैसे ही उनके अंदर वो चीज़ पैदा होती है। लेकिन हमारे गुरु ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया आज तक जो दुनिया में कोई मिसाल नहीं है उनकी। सर जो फिर सच्चाई क्या है, फिर माहौल कैसा है आश्रम में बेटियों को लेकर, बेटियों की सुरक्षा कैसी रहती है वहाँ? सुरक्षा बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो दुनियादार लोग हैं, उनका तो सोचना ही ऐसा होता है। सर गुरुजी का स्वभाव कैसा है? गुरुजी का स्वभाव बहुत अच्छा है। गुरुजी तो हमसे सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम से समझाते हैं। तो महापुरुषों की जो वाणी होती है उनको लिए, उनके लिए सब बराबर मानते हैं और बराबर उनको मनवाते हैं। किस धर्म को मानते हैं गुरुजी? सभी धर्म को मानते हैं। सभी धर्मों के ग्रंथ, वेद, गीता, रामायण जो भी है, महापुरुषों के वचन लेकर संगत को समझाते हैं। भाई पिछले महापुरुषों ने ये सिखाया हमारे को और आगे भी समझाते रहेंगे। क्या आपको लगता है आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को? जी बिल्कुल। 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? प्रभाव जो भी पड़ा हो, लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं। सर जो इतने दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? रोग दुनिया का काम ही रोग लगाना है। दुनिया का तो अच्छे को भी लगाते हैं और माड़े को भी लगाते हैं। दुनिया का तो काम ही यही है। क्यों उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती? महापुरुषों की वाणी को लेकर कोई अच्छी चीज़ समझाता नहीं है, नशे छुड़ाता नहीं है, मांस अंडा छुड़ाता नहीं है। लेकिन वो जैसे देखना चलता है, बस वैसे ही चली जाता है दुनियादारी में। क्या मांग करोगे सर सरकार से आप? हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं, हर बच्चे को, हर इंसान को, हर बूढ़े को अच्छी शिक्षा देते हैं। और ऐसी शिक्षा दुनिया में कोई नहीं है देता। जो महापुरुष होते हैं सच्ची शिक्षा देते हैं और सच्ची बात सुनाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हम उन लोगों की बातचीत दिखा रहे हैं, ये सूत्र नहीं है, ये डायरेक्ट लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा के फैक्ट हैं, जो वहाँ पर जाते रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि सैन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा कि सच क्या है। वो चंद सूत्र जा ये लोग जो लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।